स्वागत है चैनल अर्चना फैशन डिजाइनिंग। आज का हमारा टॉपिक है सीविंग मशीन। आज हम सीखने वाले हैं इंडस्ट्रियल वॉक्सटेक मशीन। सो ये जो मशीन है इसके सबसे फर्स्ट हम जान लेते हैं पार्ट्स। सो पार्ट्स ऑफ वॉक्सटेक मशीन स्टार्ट। सो यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर का बॉडी पार्ट है इसे कहा जाता है हेड पोर्शन। अब ये जो नीचे मशीन जिस पे रखा है उसे स्टैंड कहते हैं। सो दिस इज द स्टैंड, या इसी को ट्रेडल ऐसे कहा जाता है। सो यहाँ से नीचे का पार्ट है, दैट इज़ द ट्रेडल, दिस वन इज़ द हेड। अब ट्रेडल जो है यहाँ पे नीचे ये पेडल लगा हुआ है। अब ये जो आपको राउंड पार्ट दिखाई दे रहा है इसे लिफ्टर कहते हैं, सो नी प्रेशर लिफ्टर। सो यहाँ पे देखो, आप जो घुटना होता है, पैर होता है आपका, इससे आपको ये आप ऐसे लिफ्ट कर सकते हो। ये जो प्रेशर फूट है इसे आप लिफ्ट कर सकते हो, या आप बाय हैंड भी इसे लिफ्ट कर सकते हो। ये जो पीछे है सो इससे भी आप लिफ्ट कर सकते हो। सो ये जो हेड पोर्शन है, यहाँ पे हमने देखा ये लिफ्टर है, प्रेशर फुट लिफ्टर। तो बाकी सारे पार्ट्स सिक्वेंस हम जान लें। ओके, सो हेड पार्ट हमने देखा, ट्रेडल पार्ट देखा। ये जो है दिस इज़ द थ्रेड स्टैंड। थ्रेड स्टैंड में यहाँ पे ये जो है दिस इज़ द स्पूल पिन, जहाँ पे हम थ्रेड रखते हैं उस पार्ट को कहा जाता है स्पूल पिन। इंडस्ट्रियल मशीन में यहाँ पे सेपरेट स्टैंड है। नॉर्मल आपके डोमेस्टिक मशीन जो होते हैं हाफ शटल के या टेलर मॉडल, उनमें यहाँ पे हेड पोर्शन में स्पूल पिन होते हैं। अब ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द थ्रेड गाइड। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, सो ये पार्ट को टेंशन डिवाइस कहते हैं। ये जो फर्स्ट है ये टेंशन नट है, दिस इज़ द टेंशन स्प्रिंग, और ये जो है स्टील की जो दो प्लेट आपको दिखाई दे रही है इनको टेंशन डिस्क कहा जाता है। ओके, सो टेंशन डिवाइस हमने देखा। उसके बाद ये जो पार्ट है इसे थ्रेड टेकअप लीवर कहा जाता है। उसके बाद ये गाइड है, थ्रेड गाइड। अगेन आप यहाँ पे नीचे देखते हो तो नीडल दिखाई दे रहा है, नीडल के ऊपर एक रॉड है। तो ये जो रॉड होता है इसे नीडल बार कहा जाता है। ये जो पोर्शन है दिस इज़ द नीडल बार। ये जो स्क्रू लगा है ये है नीडल स्क्रू। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्टील की रिंग दिखाई दे रही है उसे कहते हैं नीडल क्लैंप। सो नीडल क्लैंप, नीडल बार, नीडल स्क्रू, और ये जो नीडल है सुई जिसे कहते हैं हम, सो दिस इज़ द नीडल। सो नीडल बार हमने देखा, नीडल क्लैंप, नीडल स्क्रू, नीडल। ये जो पीछे साइड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं इसे लिफ्ट करती हूँ, सो दिस इज़ द प्रेशर बार। ये जो रॉड होता है इसे प्रेशर बार कहते हैं। दिस इज़ द प्रेशर फुट, और ये प्रेशर स्क्रू, प्रेशर बार स्क्रू। सो प्रेशर बार स्क्रू ये है। ओके, सो ये है प्रेशर फुट। नाउ ये जो पार्ट है हाफ सर्कल डिस्क आपको दिखाई दे रही है, सो इसे कहते हैं नीडल प्लेट, और दिस इज़ द साइड प्लेट। अब ये जो नीडल प्लेट होते हैं इसके नीचे ऊपर प्रेशर बार है। सो ये प्रेशर फुट को मैं ऊपर करती हूँ तो नीचे आपको थ्री लाइन्स दिखाई दे रही है, जिगजैग लाइन। सो ये जो तीन जिगजैग लाइन होती है इनको फिट डॉग कहा जाता है। सो दिस इज़ द फिट डॉग। इनका काम क्या होता है कि मशीन हम जब चलाते हैं तो कपड़ा आगे पीछे उसकी वजह से होता है। सो ये जो जिगजैग तीन लाइन्स दिखाई दे रही है दिस इज़ द फिट डॉग। ये जो स्लाइड प्लेट होता है इसको हम साइड में कर सकते हैं, इसलिए इसे स्लाइड कहते हैं, स्लाइड मतलब सरकाना। अब यहाँ पे अंदर आपको शटल दिखाई दे रहा है, और दिस इज़ द बॉबिन केस। सो ये है बॉबिन केस, और ये बॉबिन है, बॉबिन में थ्रेड फिल करते हैं, और दिस इज़ द केस। सो बॉबिन केस में ऐसे थ्रेड, बॉबिन केस है, इसके अंदर आप ये बॉबिन को ऐसे रखना है। इसमें एक नॉच होता है, मतलब ये जो गैप है यहाँ से थ्रेड को आपको ऐसे रखना है और ऐसे खींचना है। सो मूव करके देखो, घूमना चाहिए। अब यहाँ पे अंदर आपने देखा तो एक रॉड दिखाई देता है, शटल पार्ट होता है नीचे। सो ये जो पार्ट होता है इसे शटल कहते हैं, और ये शटल में आपको बॉबिन, ये जो होल होता है उसको ये रॉड में आपको ऐसे इंसर्ट करना है, और ऐसे गोल आवाज़ आनी चाहिए। सो ये हमने बॉबिन और बॉबिन केस को फिक्स किया है। स्लाइड प्लेट को ऐसे बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेड पार्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो रेगुलेटर है दिस इज़ द स्टिच रेगुलेटर। इस पर नंबर्स लिखे हैं, 0 to 5 नंबर आ रहे हैं। सो इससे हम स्टिच लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब सिलाई कितना छोटा या बड़ा चाहिए वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है दिस पार्ट इज़ रिवर्स गियर, मतलब स्टिचेस को आपको रिवर्स लेना है, उल्टी सिलाई चाहिए तो हम यहाँ। ओके, ये प्रेश, ये जो बार है
रिवर्स गियर, इसे मैं प्रेस करती हूँ तो मशीन उल्टा चलता है। इसका यूज़ होता है स्टिचेस को लॉकिंग करने के लिए। और देन ये जो व्हील होता है इसे बैलेंस व्हील कहा जाता है। इसमें बेल्ट लगा हुआ है, ये बेल्ट का कनेक्शन नीचे मोटर में दिया हुआ है। यू कैन सी दिस इज़ द बैलेंस व्हील, ये बेल्ट है, बेल्ट अटैच किया है नीचे की मोटर को। साइड में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द बॉबिन वाइंडर, मतलब बॉबिन जो होता है बॉबिन को भरने के लिए यहाँ पे हम ये रॉड को यूज़ कर सकते हैं। सो लाइक बॉबिन कैसे भरना है उसका सेपरेट वीडियो हम देखेंगे, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। सो सी यहाँ पे एक थ्रेड आपको जस्ट ऐसे राउंड कर लेना है एंड देन इस पार्ट में यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करना है और इसे प्रेस करना है। जब मशीन चलाते हैं ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐसे फील हो जाता है। फ्रेंड्स आपने सारे पार्ट्स मशीन्स के देख लिए, एक बार मैं अगेन दिखाती हूँ। सो ये जो है दिस इज़ द थ्रेड स्टैंड, थ्रेड स्टैंड की यहाँ पे ये जो है स्पूल पिन, यहाँ पे भी स्पूल पिन है, थ्रेड गाइड है, टेंशन डिवाइस, थ्रेड गाइड, टेकअप लीवर, थ्रेड गाइड, उसके बाद नीडल बार, दिस इज़ द नीडल क्लैम्प, नीडल स्क्रू, नीडल पीछे जो होता है, प्रेशर बार, प्रेशर स्क्रू, और ये जो होता है ये प्रेशर फुट है, ये मैं यहाँ से ऊपर कर सकती हूँ। इसे प्रेशर फुट लिफ्टर कहते हैं, लिफ्टर मतलब ऊपर उठाना। सो ये है प्रेशर फुट लिफ्टर। यहाँ पे ये जो राउंड डिस्क है इसे कहते हैं नीडल नीडल प्लेट, और ये जो है स्लाइड प्लेट। यहाँ पे नीचे जो जिगजैग लाइंस आपको दिखाई देती है इनको कहते हैं फिट डॉग। ये प्लेट को जहाँ पे मूव कर सकते हैं हम, स्लाइड प्लेट को पहले भी हमने देखा है वीडियो में। सो इसे स्लाइड करने के बाद यहाँ पे नीचे अंदर यहाँ पे शटल है, शटल में बॉबिन एंड बॉबिन केस फिक्स किया जाता है। आवाज़ आना चाहिए ऐसे, इस तरह से। स्लाइड प्लेट को क्लोज किया है मैंने। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है दिस इज़ द स्टिच रेगुलेटर। सो यहाँ पे हम स्टिच एडजस्ट कर सकते हैं, नंबर्स होते हैं 0 to 5, जितना छोटा या बड़ा चाहिए उस पर एडजस्ट करो। ये रिवर्स गियर होता है, साइड में बॉबिन वाइंडर हमने देखा, दिस इज़ द बैलेंस व्हील और ये बेल्ट। उसके बाद यहाँ पे ऊपर ये जो होल होता है दिस पार्ट, यहाँ पे ऑयल हमें दिखाई देता है कि ऑयल कितना है। देन इसके नीचे ऑयल टैंक है मशीन के नीचे, इसे हम ऊपर करते हैं तो नीचे यू कैन सी यहाँ पे ऑयल भरा जाता है। सो आधा लीटर कैपेसिटी है ये मशीन का, दिस इज़ द इंडस्ट्रियल लॉक स्टिच मशीन। अगेन यहाँ पे से आप देख सकते हो ये जो है स्विच बोर्ड है। सो यहाँ पे ऑन करते हैं मशीन को, मेन प्लग मैंने ऑन किया है, यहाँ से ऑन किया जाता है। ऑन ऑफ का स्विच है, ग्रीन बटन मैंने ऑन किया है ऑन। ओके सो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे आज सीख लिए हैं द पार्ट्स ऑफ सीविंग मशीन। सो इनका रिविजन करो एंड पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। थियोरी में आपको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग आप जब सीखते हो तो थियोरी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो जान लो पार्ट्स ऑफ सीविंग मशीन।